अभी हम देख रहे हैं बजाज ऑटो की चार्ट। मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। और जो प्रीवियस हाई था इसका तो ब्रेक करने की यहाँ पे बहुत कोशिश, देखिए पहली बार बहुत ही वंस टाइम का एक बड़ा सा मोमेंटम आया यहाँ पे उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ से रिजेक्शन उसको मिल गया और यहाँ से अगेन ट्राई किया, रिजेक्शन मिल गया, अगेन वहीं पे आ चुका है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं वो देखने वाली बात है, लेकिन पहले देखिए मार्केट क्या पैटर्न बनाया, एक बोल और ये ऐसे ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनाया और जो कि नेट होते हैं जा रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है तो ये वाला लेवल को ब्रेक कर देगा जैसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप यहाँ पे इतना ही टारगेट पहले अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिएगा। यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलता है तो उसके बाद इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो कुछ क्वांटिटी आर्ट कर दीजिएगा और एल्स कुछ क्वांटिटी रखे रहेगा यहाँ पे, इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी यही बोलता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे के इसको भी ब्रेक करके अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। और अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो चुका है और हायर हाई भी बना रहा है तो अप ट्रेंड भी दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड करने में ही हम लोग का ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी लॉन्ग साइड का ही ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ देखिए ये ऐसे पैटर्न बना है, ठीक है, कप हो गया या हैंडल, जैसे ही ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। तो कप एंड हैंडल का भी प्राइस एक्शन बनाया हुआ है और यहाँ पे होल और ट्रायंगल पैटर्न भी है, दोनों का अगर ब्रेकआउट होता है तो दोनों प्राइस एक्शन सक्सेस होने के बाद यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं आफ्टर ब्रेकआउट, सक्सेसफुल ब्रेकआउट।